हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं मुझे तो आप जानते ही हैं ना, अब तो जान ही गए होंगे, वही पुराना आमिर। और देखें, ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये पर्शियन कैट्स की। ये पर्शियन कैट्स आपने देखा होगा अक्सर घरों में, ये काफ़ी महंगी ये कैट्स होती हैं, लोग इनको बाहर से मंगवाते हैं। खैर, यहाँ पर भी पाकिस्तान में ये मिल जाती हैं, तो इनकी खूबसूरती देखने वाली होती है। अच्छा, अगर आप अभी इनके फेस को देखें ना, तो लगता है जैसे बहुत गुस्से वाली हैं बिल्लियाँ। और बिल्ली में अगर आप कैट्स में देखें ना, तो ये उनकी नेचर में होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है। आप अगर आपने पाली हैं अपने पास, तो आपको आइडिया होगा कि अगर कोई जैसे आपके घर में पपीज़ या डॉग्स होते हैं, अगर आप उनको डांटें ना, वो चुप कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये आपको मारती हैं, ये पंजे मारी होती हैं आपको। आप कभी नोट कीजिएगा, अगर आप घर में होंगे, जिनके घर में उनको पता होगा, जिनको नहीं पता ना, वो कभी नोट करें। घर की पालतू बिल्ली भी होगी ना, अगर आप कभी उसके थोड़ा सा छेड़ेंगे, तंग करेंगे, तो वो गुस्सा कर जाती है, वो फिर मारती है पंजा। तो भाई, मेरा तो मानना है कि घर में पैट्स होने चाहिए, क्योंकि पैट्स होने का फ़ायदा ये होता है कि आपके घर में ना आपको एक एहसास सा रहता है कि आपके घर में कोई एक फ़र्द है। चाहे आप अकेले भी है ना, कोई अपने पैट पाले, कोई भी है, कोई भी पैट, जैसे कोई आपने पपी रखे हुए हैं, कोई कैट्स रखी हुई हैं, कोई मतलब आपने कोई पैरट्स रखे हुए हैं, तो कुछ भी, तो आपको एहसास रहता है और आपका दिल भी एक यकीन मानने लगा रहता है। और इतनी प्यारी प्यारी कैट्स ये हैं कि इनको तो वैसे भी जो है, ये देखें, अब ऐसे लगता है जैसे कोई कॉटन रखी हुई है उसमें, बेसन के अंदर, तो वैसे इनको देख कर बहुत प्यार आता है। अगर आप एनिमल लवर है ना, तो आपको हर उस जानवर से, उस एनिमल से आपको प्यार रहेगा, आपका एक उनसियत सी हो जाती है। तो वो जो उनसियत है ना, वो फिर आपको खींचती है, माइल करती है कि कोई भी पेट्स हो, कोई भी है, आप फिर किसी का, आप खुदा ना खास रोड पर जा रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि कोई 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 जानवर बेचारा तकलीफ़ में, तो आप कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करने की। देखें, ये पूरी फैमिली, क्या बात है इस पूरी फैमिली की। तो इसलिए लिहाजा कोशिश कीजिए कि घर में कोई ना कोई एक पेट होना चाहिए, उससे उसके बहुत फ़ायदे हैं। असल में मेरी वीडियो भी बहुत छोटी है, तो इसमें इतनी मैं बात कर नहीं पाऊँगा ज़्यादा। तो इंशाल्लाह को नेक्स्ट बनाऊँगा ना कोई बड़ी वीडियो, तो फिर तफसीली बात मज़ीद भी करूँगा। तो फ़िलहाल तो इसमें यही मैसेज है कि घर में पेट्स पालें। घर में बहुत रौनक रहती है इन चीज़ों के होने से, बहुत रौनक, और आपका दिल भी बहुत लगा रहता है, आपको तन्हाई का, अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। आप तो जितना मर्ज़ी इंटरनेट यूज़ करें, मोबाइल करें, लेकिन घर में अगर पेट हैं, अफराद ज़्यादा नहीं हैं, आप अकेले हैं या छोटी फैमिली है, तो उनके लिए पेट का होना घर में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मेरी वीडियो को अख्ताम हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।